नमस्कार, मैं आज आपको मकर संक्रांति के बारे में बताऊंगी। मकर संक्रांति हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, वो अपने अपने धर्म के मुताबिक त्यौहार मनाते हैं। हमारे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में कुछ बताऊंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। मकर संक्रांति भारत के त्यौहार में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। वह त्यौहार हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए यह त्यौहार इस दिन सूरज की गति उत्तर की ओर रहती है, इसलिए यह त्यौहार का मकर संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति में आज मकर संक्रांति के दिन सब लोग तिलगुड़ या तो तिलगुड़ के बनाए हुए पदार्थ बांटते हैं। मकर संक्रांति के दिन हम सब सुबह सुबह छतों पर जाकर पतंग उड़ाते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार पतंग का पर्व है। राजकोट, अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में मकर संक्रांति की धूम मच जाती है। मकर संक्रांति का त्यौहार पर हम सब सुबह सुबह छत पर जाकर टेप रिकॉर्ड और खाने की चीज और तो माजा लेकर जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन छत पर काफी हलचल चहल पहल रहती है। मकर संक्रांति का त्यौहार चहल पहल और खुशियों का त्यौहार है। अंत में मैं ही इतना कहूँगी कि मंदिर की घंटी आरती की थाली सूरज के नदी के किनारे सूरज की लाली, आप सबको मकर संक्रांति खूब खूब बधाई हो।